अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको विज़िट कराएंगे तिलका फील्ड और उसमें हम आपको दिखाएंगे रस चूसने वाले कीड़े। रस चूसने वाले कीड़े जो है ना, वो पौधों को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करते जाते हैं और उनकी मौजूदगी से ना सिर्फ आपकी जो फसल है या प्लांट है या उसकी जो पैदावार है वो कम्प्रोमाइज़ होती है, बल्कि आपको माशी तौर पर भी ये आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करते हैं। अच्छा, यह तिलका फील्ड है, यहाँ हम इसको विज़िट कर रहे हैं। आज ये 45 दिन का हो गया है और आज की विज़िट में हमने ये महसूस किया है कि इसमें सफ़ेद मक्खी और सबसेला दोनों का अटैक है। इसका मोटा सा असूल ये है कि जब आप फील्ड में जाएं तो रैंडमली एक एक्स की सूरत में प्लांट्स को जाना विज़िट करें। ये ना हो कि सिर्फ एक ही कोने पे खड़े होकर आप पौधों को देखें और वहाँ से वापस आ जाएं। फील्ड के दरमियान में भी जाएं, उसके क्या ना कोनों पे भी जाएं, वहाँ रैंडमली कुछ प्लांट्स सेलेक्ट करें, इनके पत्तों को ऊपर से भी देखें, नीचे से भी देखें, इसके तने को भी देखें। देखें अब ये जो हम विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे सफ़ेद मक्खी भी नज़र आ रही है हमें और तेला भी नज़र आ रहा है। अगरचे ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज नहीं है इस अटैक की, या बहुत ज़्यादा शिद्दत का अटैक नहीं है, लेकिन अटैक स्टार्ट हो गया। अगर इसको यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी फसल जो है ना वो क्या कंप्रोमाइज़ होगी। तेले के लिए नाइट्रम पैरम बहुत अच्छा साल्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स अटैक है तो यहाँ पे हम जो है ना डार्को सवात एग्रो का प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी अच्छी कवरेज है तेले के ऊपर भी, और इनिशियल स्टेज है सफ़ेद मक्खी का, इसको भी वो कवर कर लेगा। अगर ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज होगा या शिद्दत ज़्यादा होगी तो फिर हम अच्छा प्रोडक्ट जो है उलाला है ICI का, उसकी कवरेज बहुत अच्छी है, उसको हम इस्तेमाल करके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चंस के लिए, क्यूरी के लिए आप नीचे जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।